चलिए आपका एक और कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि आप प्रोपाइल क्लोराइड को ब्यूटेनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और इथीन से इथेनल कैसे बनाएंगे। कन्वर्जन करते वक्त आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यह कन्वर्जन 3 से ज़्यादा स्टेप्स में नहीं होना चाहिए। तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए और कुछ समय लेकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कन्वर्जन में हमें प्रोपाइल क्लोराइड को ब्यूटेनल में कन्वर्ट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपाउंड में एक कार्बन बढ़ा रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि हमें नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ाने होते हैं तो जनरली हम साइनाइड ग्रुप का यूज करते हैं। तो प्रोपाइल क्लोराइड को सबसे पहले हम NaCN यानी सोडियम साइनाइड से रिएक्ट कराएंगे और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, जिसे आप हेलो एल्केन वाले चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके हैं, और हमें ब्यूटेन नाइट्राइल मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपाउंड में 3 कार्बन से 4 कार्बन हो चुके हैं, और हमने अभी पढ़ा है कि साइनाइड से एल्डिहाइड बनाना है तो हम स्टीफेंस रिएक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम साइनाइड को सबसे पहले SnCl2 और HCl की हेल्प से रिड्यूस करके इमीन बनाते हैं और इमीन को हाइड्रोलाइज करके हम एल्डिहाइड बना लेते हैं। तो इस तरह से हम प्रोपाइल क्लोराइड को ब्यूटेनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें इथीन से इथेनल बनाना है। इथीन से इथेनल बनाने के लिए सबसे पहले हम इथीन की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, जिसके कारण इथीन के डबल बॉन्ड में वाटर मॉलिक्यूल ऐड होकर हमें इथेनॉल देगा। और हमने अभी पढ़ा है कि यदि हमारे पास अल्कोहल है तो अल्कोहल की PCC के प्रेजेंस में कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराने पर हमें एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाता है। सिंस यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल है तो हमें ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड मिलेगा। तो इस तरह से हम इथीन से इथेनल बना सकते हैं।